Hey guys, it's Sketch for RB here. एंड गाइज आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पे डाटा सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हम सबके लिए. बहुत सारी कंपनी इसके लिए बहुत सारे मेजर भी उठा रही हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी डाटा शेयर करते हो तो वो फुल इनक्रिप्टेड होकर सामने वाले बंदे के पास जाता है. तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको अगर कोई भी डाटा ट्रांसफर करना हो तो आप उसे किस तरह हाइड करके किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे सिर्फ उसे रिसीव करने वाले को या फिर आपको ही पता होगा कि उस फाइल के अंदर क्या है. तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं, ये एक फोटो है. अब आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो जस्ट एक फोटो दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे आपको स्पेस दिखेगा 20.2 MB का, जबकि एक फोटो के लिए इतना ज्यादा स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है. तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे बहुत सारा मैंने डाटा छुपाया हुआ है, तो उसको ओपन करने के लिए मुझे कोई भी विनरेर या फिर 7-zip का यूज करना पड़ेगा. तो मैं जस्ट इस पे सीधा क्लिक करूंगा एंड ओपन विथ पे क्लिक करके यहाँ पे चूज अनदर ऐप करूंगा और यहाँ पे जाके मैं अपने 7-zip को सिलेक्ट कर लूंगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7-zip यहाँ पे है. एंड जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी फाइलें हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी फोटो के अंदर कोई भी फाइल छुपा के किसी को भी सेंड कर सकते हैं. तो गाइस ये एक टेस्ट फोल्डर है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइल्स रखी हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव फाइल है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है एंड यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल दिख रही है आपको. तो हम इनमें से कोई भी फोटो लेंगे और उसका रीनेम करेंगे. हम इस फोटो का रीनेम टेस्ट कर देते हैं. तो इसके बाद मुझे इसके अंदर जो भी फाइलें छुपानी है मैं उन सबको एक जिप में कन्वर्ट कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको सिलेक्ट करके 7-zip से इन्हें एड टू आर्काइव कर लूंगा और इस फोल्डर का नाम भी हम टेस्ट जिप रख देते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिप फाइल हमारी बन चुकी है एंड हमारे पास अपनी फोटो भी है, तो हम बाकी फाइल्स को डिलीट मार सकते हैं. तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जिप फाइल इस जेपीजी इमेज के अंदर कैसे छुपानी है. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल इमेज है जिसका स्पेस 1.82 MB है. तो सबसे पहले आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोलना होगा. तो आप सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो ये आपकी कमांड विंडो है. आप इस पे नीचे राइट क्लिक करके और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे एंड उसके बाद गाइस आपको इस डायरेक्टरी पर आना है. तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी जो हमारी डायरेक्टरी है वो सी विंडोज एंड सिस्टम 32 के फोल्डर है. तो हमें इस फोल्डर इस डायरेक्टरी पर आने के लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ेगी cd मतलब चेंज डायरेक्टरी स्पेस जो भी हमारी नई डायरेक्टरी है एंड एंटर दबा देंगे. तो आप देख सकते हैं हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है जो कि अभी है सी यूजर्स खराब डेस्कटॉप एंड टेस्ट फोल्डर. एंड गाइस हमें जो यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप करना है copy कॉपी स्लैश बैकवर्ड स्लैश कह सकते हैं आप इसे d एंड उसके बाद हमें अपनी jpg का नाम सिलेक्ट करना है जो भी हमने उसका नाम रखा है. तो यहाँ पे test.jpg जैसा कि मेरी फोटो का नाम है. उसके बाद मैं स्पेस दबा के प्लस दबाऊंगा एंड एक बार और स्पेस दबा के यहाँ पे जिप फाइल का नाम लिखूंगा. तो यहाँ पे मैं test.zip कर देता हूँ. उसके बाद हमें जिस भी नाम से नई इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसका नया नाम रख देता हूँ आउटपुट. तो वैसे ही हमारी जो फाइल बन के आएगी उसका नाम होगा एंड हम उसका एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक फोटो है तो मैं इसका एक्सटेंशन वापस jpg ही रखूंगा एंड इसके बाद मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आउटपुट नाम की फाइल बन चुकी है एंड इस आउटपुट नाम की फाइल का साइज है 18.5 MB. तो गाइज इसके पीछे वो सारा डाटा छिप चुका है और आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल फोटो की तरह ही खुलेगी एंड जब तक किसी को पता नहीं होगा कि इसके अंदर डाटा छुपा है तो वो इसमें से डाटा निकाल भी नहीं पाएगा. तो आपको उस डाटा को निकालने के लिए सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करना है एंड वापस ओपन विद जाके 7-zip से ओपन कर लेना है. यहाँ पे आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं ये सारा डाटा जो था इस फोटो के पीछे छिपा हुआ था. तो गाइस आपको जो ये कोड है ये आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एंड अगर आपको गाइस कुछ भी पूछना हो इस स्टेप के बारे में तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.